धान की अगेती रोपाई। धान बिहार राज्य की प्रमुख खरीफ फसल है। इसे दो तरह से उपजाया जाता है। पहले तरीके से हम इसके बीजों को सीधे खेत में छिटाई करते हैं, जबकि दूसरे तरीके से इसकी रोपाई की जाती है। आम बोलचाल की भाषा में पहले को बुआई और दूसरे को रोपाई कहते हैं। रोपाई के लिए सबसे पहले बीज को नर्सरी में लगाते हैं, फिर बिचड़े तैयार होने के बाद उसे वहां से निकालकर धान के लिए तैयार किए गए खेतों में लगाते हैं। अच्छी तरह से तैयार किए गए बिचड़े समय पर लगाने से पौधों का विकास तेजी से होता है तथा उपज ज्यादा होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि धान को समय पर लगाना या इसकी अगेती रोपाई क्यों जरूरी है। आज के समय में हम सभी लोग जलवायु परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं और खेती पर पड़ने वाले इसके बुरे प्रभावों को भी देख रहे हैं। अत्यधिक ठंडा या गर्मी, बाढ़ की स्थिति, सूखे की स्थिति आदि के कारण हमारी फसल का काफी नुकसान होता है, जिससे इसकी उपज कम हो जाती है। लेकिन समय से धान की रोपाई कर इसके नुकसान को कम किया जा सकता है, क्योंकि समय से धान की फसल लगने से इसमें खरपतवार कम होता है तथा कीड़े लगने की संभावना भी कम होती है, जिसका परिणाम अच्छी उपज होता है। ठीक इसके विपरीत, देर से धान लगाने से उसमें कीड़े लगने की संभावना ज्यादा होती है। धान की अगेती रोपाई करने से आपको गेहूं की फसल की भी अगेती बुआई का मौका मिलेगा, जिससे उसकी फसल भी अच्छी होगी। ऐसा माना जाता है कि गेहूं की देर से बुआई के कारण किसानों को लगभग 50% तक का नुकसान होता है। धान की रोपाई के सही समय की बात करें तो यह 15 जून से 15 जुलाई के बीच होता है। इसे धान लगाने का आदर्श समय भी कहा जाता है। इस समय धान लगाने से अच्छी उपज की संभावना काफी बढ़ जाती है। धान की समय पर रोपाई के लिए उचित और समय पर धान की नर्सरी तैयार करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि उसकी रोपाई समय से की जा सके। नर्सरी में बीज धान की रोपाई से 2 सप्ताह पहले लगा लेना चाहिए। अगर धान के पौधे नर्सरी में ज्यादा दिन तक रह जाएं और फिर आप उसे निकाल कर खेतों में लगाएं, तो इससे भी धान की उपज कम होती है। इस प्रकार आप सभी किसान इसी तरह धान की अगेती या समय पर रोपाई कर अपनी धान की पैदावार को बढ़ा सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को भी कम कर सकते हैं। धन्यवाद।